गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ देखो एंकर पहन के, क्योंकि अभी मैं ना नानी के घर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी केशा को ना बहुत तेज से ना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि उसको उल्टी जैसा भी हो रहा है। देखो अभी कैसे सो रही है वो। विशा, क्या हो रहा है केशा? अभी उसने 3 या 4 बार वोमिट की, तो आज तो नहीं की पर परसों है ना की थी, तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल दिखाने जा रहे हैं ना। तो मम्मी ने कहा कि चलो नानी के घर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग होते हैं ना, इसलिए किसा को मज़ा आ जाता है। पर यहाँ पर वो अकेले अकेले हो जाती है, ऐसा तो ज़्यादातर खेलती भी नहीं है, इसलिए। तो अभी बारिश आ रही है बाहर, देखो। चलो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ थोड़ा। तो देखो अभी बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए मैं अभी रेनकोट पहन के जा रहा हूँ, वरना तो मैं ऐसे ही चला जाता। तो बारिश आ रही है ना, तो अभी इसलिए मैं रेनकोट पहन के जा रहा हूँ। तो मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे घर में ना पानी गिर रहा है ना, तो मैं टीवी देखो यहाँ पर ले लिया बेड के ऊपर। तो किशा देखो अभी पीछे हो रही है। किशा, किशा नहीं, चलो नानी से पूछते हैं कि किसा को क्या हुआ है। नानी, किसा को क्या हुआ है? किसा को वोमिट हो गई है और किसा को बुखार आ गया है। बुखार भी आ रहा है? तो अभी देखो नानी ऐसा कह रहे हैं कि किसा को बुखार भी आ रहा है। तो अभी हम आपके घर जा रहे हैं, सोच लेते हैं। तो चलो अभी हम नानी के घर जाते हैं। बारिश आ रही है, मैंने आपको पहले भी कहा था देख के हमको इग्नोर मारना। तो देखो यहाँ से मस्त बारिश दिखती है, हमारे घर से तो दिखती भी नहीं है। और यहाँ पर नीचे भी पानी भर गया है, देखो यहाँ पर देखो। तो अभी मैं थोड़ी देर भी बाहर जा रहा हूँ ना, तो मैं पूरा गीला हो जा रहा हूँ। तो अभी तो बहुत बारिश आ रही है, अच्छा है। तो हम थोड़ी देर बाद ना लगभग बाहर हम घूमने जाएंगे, मतलब बारिश में देखने जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर पानी भरा हुआ है या नहीं, तो हम देखेंगे अभी। तो अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी खाना बन जाएगा, तो चलो मैं खाना दिखाता हूँ आपको क्या है। मतलब खाना तो बन चुका है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या खाने में क्या है। लौकी और चने की दाल की सब्जी, रोटी, चावल और छाछ। तो चलो अभी मैं खाना खा लेता हूँ। अभी हमें ना बाहर जा रहे हैं बारिश में, तो भी मैं रेनकोट पहन के जा रहा हूँ देखो। तो मम्मी मना कर रही थी कि बारिश में भीगना नहीं है, तो अभी चलो अभी हम बाहर देखने जाते हैं कि पानी भर चुका है कहाँ कहाँ तक। तो अभी हम स्कूटी में जाएंगे, स्कूटी बंद हो जाएगा तो कुछ कोई बात नहीं, चलो अभी हम जाते हैं। गाइस अभी देखो हम यहाँ से निकल चुके हैं अभी, तो हम अभी जा रहे हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर कितना पानी भरा हुआ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। भर चुका है यहाँ पर, और देखो आगे कार जा रही है, उसका टायर तो पूरा डूब चुका है। हमारा बाइक देखो,
को छाया में कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। मुझे तो मज़ा आ रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है और छाया में खड्डे भी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए पानी है ना ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम देखो कमला बाग आ चुके हैं और यहाँ पर तो इतना पानी नहीं भरा हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर खड्डे बहुत है। सत्यनारायण जी का मंदिर है यहाँ पर, कितने सारे कबूतर है यहाँ पर। देखो यहाँ पर किसी को स्कूटी भी खराब हो चुकी है। तो गाइस ये भी टूट चुका है, देखो ये भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सभी लोग अभी नहा भी रहे हैं देखो, और ये पूरी स्कूटी हमारा पूरा बाइक टूट चुका है अभी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, देखो यहाँ से थोड़ा ख़त्म हुआ। मुझे तो वहाँ पर डर लग रहा था भाई, मेरे पैर तो यहाँ तक पानी आ गया था पूरा, तो वहाँ से तो हम निकल गए क्योंकि मुझे डर लग रहा था ना इसलिए। तो अभी हम यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ा अच्छा और कम पानी है क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था ना कि स्कूटी हमारा जो स्कूटर था ना वो चल नहीं रहा था ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए अभी, तो अच्छा है। पर अभी देखो नया फुवारा है ना वहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर देखो सभी लोग नहा रहे हैं। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। अभी आगे जाके थोड़ा ख़त्म हो रहा है पानी, देखो मुझे तो इतना ज़्यादा पानी आ जाता है तो इतना डर लगता है ना। यहाँ पर सभी लोगों के घर में भी पानी जा रहा होगा, तो अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है पानी। तो अभी यहाँ पर है ना बस जमीन में घुस गई है देखो, तो अभी निकाल रहे हैं वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर तो नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है ना इसलिए। तो अभी हम देखो चौपाटी के अंदर आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ पानी नहीं भरा हुआ है, देखते आगे जाएंगे कि नहीं पता नहीं कुछ। समुंदर में है ना बड़ी बड़ी लहर आ रही है और अभी चौपाटी है ना पूरी खाली है, देखो देखो यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो वहाँ पर सभी लोग है देखो। हम चौपाटी ग्राउंड में आए और यहाँ पर भी पानी भर चुका है, वहाँ तक वहाँ है पानी थोड़ा थोड़ा देखो। हम पाल घर के पास है, दरिया रोड के पास, देखो यहाँ पर कितनी सारी बोट है छोटी छोटी सी। तो अभी देखो समुद्र कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से। सुदामा चौक में आए और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पानी है, पहले बहुत था पर अब थोड़ा है ना कम हो चुका है यहाँ पर पानी देखो। तो
अभी हम सीधा जा रहे हैं घर की साइड। और एमजी रोड में भी पानी था पर वो कम हो चुका है अभी, तो अच्छा है। यहाँ पर देखो वो घर भी गिर चुका है पूरा, तो अभी हम सीधा यहाँ पर भी गिर चुका है देखो, क्योंकि पवन इतना था ना कि हमारे वहाँ पर हमारे घर पे भी गिर गया था। चार देखो फुवारे में, फुवारे के पास भी पानी भरा हुआ था, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकल चुका है पानी। यहाँ पर वागेश्वर एयरपोर्ट में भी अभी पानी भर चुका है, थोड़ा थोड़ा है यहाँ पर, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी यहाँ पर वारिया रोड में भी पूरा पानी भर चुका है, देखो कितना ज़्यादा पानी भर चुका है यहाँ पर। तो अभी तो हम वागेश्वर रोड में गए थे, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं वारिया रोड में, तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर पर यहाँ से। तो चलो अभी हम घर जाते हैं। हम यहाँ पर बिल्ला रोड पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी इतना पानी भरा हुआ नहीं है, पर आगे पानी भरा हुआ है, यहाँ पर तो अभी नहीं है, तो आगे पानी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ। यहाँ पर देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पर, छाया में भी बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जो रोड है ना वहाँ पर बैनर लगाया हुआ है देखो, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा पानी भर चुका है, तो अभी तो चला गया होगा थोड़ा थोड़ा होगा, पर बैनर है ना इसलिए हम यहाँ पर नहीं जा सकेंगे। तो अभी देखो मैं अपना है ना ट्यूशन का होमवर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैम ने दिया था और आज मैं ट्यूशन में भी नहीं गया था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा होमवर्क था। तो अभी चलो मैं होमवर्क कर लेता हूँ। अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी बारिश पूरी रुक चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी बूंद आ रही थी अभी पर रुक चुकी है, तो अच्छा है क्योंकि आज बहुत बहुत बारिश आई थी, कंटिन्यूसली चालू ही थी बारिश, तो अच्छा है। अभी थोड़ी देर बंद हो गई, तो आज मैं यहाँ पर ही रहने वाला हूँ क्योंकि कल मेरे स्कूल में छुट्टी है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पर रहूँगा। तो अभी है ना मुझे भूख लगी है ना, तो अभी मैं ना गाठिया खा रहा हूँ, तो चलो अभी नानी कह रही थी कि गाठिया है, तो चलो अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो ये देखो हमारा गाठिया, तो अभी चलो मैं गाठिया खा लेता हूँ क्योंकि मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है। देखो मैं गाठिया खा रहा हूँ, पर है ना ताई के साथ मज़ा आता है गाठिया खाने का, ऐसा अकेला अकेला मज़ा नहीं आता। अभी तो चाय नहीं है तो मैं इसे अकेले खा लेता हूँ, भूख इतनी लगी है ना इसलिए, तो चलो अभी मैं गाठिया खा लेता हूँ। तो अभी मैं ना ऊपर आ चुका हूँ सोने, तो अभी देखो पीछे पूरा सुनसान हो चुका है सोसाइटी हमारी, क्योंकि बारिश आई थी इसलिए, और अभी लाइट भी चली गई है, ये वहाँ की चालू है लाइट देखो हो रही, तो वो लाइट चालू है, बाकी तो बंद हो चुके हैं सभी पता नहीं क्यों। और ये पैर भी गिर चुका है देखो यहाँ पर, तो अभी मैं यहाँ पर ठंडा ठंडा पवन आ रहा है ना इसलिए मैं खड़ा हूँ, तो अभी मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर में एडिटिंग करके। तो बस आज के लिए वीडियो नहीं था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल को फॉलो करना।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।